फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। इफ यू वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो अवर टुडेज टॉपिक इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो देखिए कि हम अपना परिचय, हर जगह हमें अपना परिचय देना पड़ता है। तो हमें अभी आज इंग्लिश में हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं वो देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगी। तो देखिए, हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, हम स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, अपने दोस्तों के बीच देते हैं, एज वेल एज हम अपने इंटरव्यू में भी अपना हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो आज मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे दो प्रकार के इंट्रोडक्शन लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं विच इज़ यूजफुल फॉर टेलिंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रीट। तो ग्रीट में हम जब भी किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू टाइमिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे करके आपको स्टार्ट करना होगा। तो इसके तरीके मैं बताती हूँ कि आप अपना ग्रीट कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप हाय हेलो बोल सकते हैं, देन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, मतलब जो भी टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून ऐसे करके आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाय हेलो जो आपको बताना है स्टार्टिंग में, वो खाली कैजुअल इंट्रोडक्शन में बोलना है। जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून से ही स्टार्ट करना होगा। और प्रोफेशनली आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप अपना हैंड शेक करके भी ग्रीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, ओके, नेम। तो यहाँ पे नाम बताने के दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, माय नेम इज डैश डैश, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम बताना है, ओके। माय नेम इज, देन माय सेल्फ, और उसके बाद आई एम, ओके, माय नेम इज डैश डैश। अगर आपका कोई भी नाम होगा तो यहाँ पे आपको अपना फुल नाम बताना है, माय सेल्फ। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आपको अपना नाम यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। आप आई एम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो भी आपका नाम होगा वो पूरा बताना होगा। उसके बाद प्लेस, अपना नाम बताने के बाद आता है प्लेस, ओके। तो प्लेस में आप जहाँ के रहने वाले हो, मतलब आपके सिटी का नाम, आपके टाउन का नाम, विलेज का नाम, ये आपको बताना है। तो उसके भी दो तरीके हैं। तो आप दो तरीके से अपना मतलब प्लेस का नाम बता सकते हैं। तो आई एम फ्रॉम डैश डैश, और आई बिलोंग फ्रॉम, ये दोनों आपको चलेगा। कि आई एम फ्रॉम, अगर आप दिल्ली दिल्ली से हैं तो आप यहाँ पे दिल्ली बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई। जो भी आपका प्लेस का नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ये दोनों भी चलेगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, बोथ आर अलाउड, ओके। उसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स आपका एजुकेशन। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको आपके स्टैंडर्ड का नाम बताना है, एज वेल एज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी बताना है। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एजुकेशन पूरा हो गया होगा।
तो आपको यहाँ पे अपनी डिग्री मेंशन करनी है, जो भी आपकी एडिशनल डिग्रीज है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आई एम इन क्लास, जो भी आपका क्लास है, यहाँ पे मैंने 10 का एग्जाम्पल लिया कि आई एम इन क्लास 10 और आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड के पहले अगर आप 10th अपना 10th लेते हैं तो उसके लिए आपको TH ऐसे 10th लिखना है। ओके, और जब भी आप ऐसे मेंशन करोगे कि आई एम इन क्लास 10, ओके, तो जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको ये वो मेंशन करना होगा। और एज वेल एज आप यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, ऐसे भी आप बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई एम कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। जॉब इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको अपना जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट किया है तो ओके, तो देखिए आई हैव कंप्लीटेड डैश डैश, जो भी अगर आपने MBA किया होगा तो आप यहाँ पे MBA लिख सकते हैं, जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम डैश डैश कॉलेज। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड MBA फ्रॉम डैश डैश कॉलेज, मतलब आपके जो कॉलेज का नाम है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आई हैव डन, ओके, ये दोनों भी यहाँ पे चलेगा। तो जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन देना होगा तो आपको अपनी डिग्रीज ऐसी मेंशन करनी होगी। क्वालिफिकेशन के बाद पॉइंट आएगा अबाउट योर फैमिली। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स मेंशन करना होगा। तो जब भी आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको बताना होगा। तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट करना है, देयर आर डैश डैश मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स का नंबर है, मतलब कुछ फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं, तो देखिए देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो सबसे पहले आपको वो नंबर मेंशन करना होगा, उसके बाद वो कौन कौन है वो भी बताना होगा। तो उसके बाद आप बोल सकते हैं कि माय मदर, माय फादर, आपके बड़े सिबलिंग्स है, मतलब आपसे बड़े है तो आप एन ओल्डर ब्रदर, एन ओल्डर सिस्टर ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप आपके सिबलिंग आपसे छोटे हैं, अ यंगर ब्रदर, अ यंगर सिस्टर ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आपको पूरा अपने फैमिली मेंबर के बारे में बताना है। तो जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस फॉलो करने होंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में ज़्यादा ना बताएं। ओके, तो उसके फैमिली मेंबर्स के बाद आएगा हॉबी। तो यहाँ पे आपकी जो भी हॉबीज है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, कुछ को मतलब प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे कुछ हॉबीज आपके हो सकती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर हॉबी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग कैसे करनी है, देखिए माय हॉबी इज, फिर जो भी आपकी लिसनिंग टू म्यूजिक, देन रीडिंग बुक्स और नॉवेल्स, प्लेइंग क्रिकेट।
Hello, my name is Shantaru Ganesh Nate. I live in Maharashtra. My school name is Adarsh English Medium School, Ozar. I study in 4th standard. There are four members in my family. My father, my mother, my younger sister, and me. My hobby is to make car designs in laptop. And when I grow up, I want to be a car designer. थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा कैजुअल इंट्रोडक्शन कि ये हम स्कूल में फ्रेंड्स के बीच बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आगे जाके हमें इंटरव्यू के लिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो हम डेमो के तौर पर देखते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, यहाँ पे आपको टेल योर फुल नेम, यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना बोलना है। आई एम फ्रॉम डैश डैश, यहाँ पे जो डैश डैश है वहाँ पे आपको आपके प्लेस का नाम मेंशन करना है। उसके बाद है आई हैव कंप्लीटेड टेल योर डिग्री हियर फ्रॉम, नेम ऑफ योर कॉलेज नेम और नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपने जो भी डिग्री हासिल की है उसके लिए ये सेंटेंस यूज करना होगा। आई हैव कंप्लीटेड डैश डैश फ्रॉम डैश डैश कॉलेज और यूनिवर्सिटी। देन देयर आर डैश डैश मेंबर्स इन माय फैमिली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स मेंशन करना है। तो देयर आर 5 members in my family, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। Then आती है आपकी hobby, तो my hobby is, तो आपकी जो भी hobby है तो tell your hobby here, ओके। तो यहाँ पे आपको आपकी हॉबीज मेंशन करनी होगी। और जैसे कि इंटरव्यू में और कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बाद ही आपको आंसर देना है। थैंक यू सो मच।